नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के 10 ठिकानों पर इनकम टैक्स की 6 दिसंबर से छापेमारी चल रही है, जिसको लेकर सियासत भी गर्म है। वजह है छापेमारी में बरामद हुए करोड़ों रुपए। विभाग ने अब तक 300 करोड़ नकद बरामद किए हैं, नोटों की गिनती अब तक जारी है। इस मामले को लेकर कांग्रेस चौतरफा घिरी हुई है। कांग्रेस को अपने सांसद के बचाव में बोलने के लिए शब्द ही नहीं मिल रहे हैं। यही कारण है कि पार्टी ने इस मामले से खुद को किनारे कर लिया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अभी भाजपा नेता कांग्रेस पर हमलावर हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीधा कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ही जवाब मांगा है। इधर अपने सांसद के पास करोड़ों का कैश बरामद होने पर कांग्रेस ने तो कन्नी काट ली है। कांग्रेस का कहना है कि ये जवाब सांसद धीरज साहू ही देंगे कि उनके पास इतना कैश कहां से आया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने साफ कर दिया है कि उनके ठिकानों से इतनी बड़ी रकम की बरामदगी आईटी को कैसे हो रही है, इसका जवाब वो ही देंगे। कांग्रेस पार्टी का उनके बिजनेस से कोई लेना देना ही नहीं है, जिस पर भाजपा की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस और उनके नेता राहुल गांधी को जवाब देना ही पड़ेगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू पर छापेमारी की खबर को ट्वीट करते हुए लिखा है, बंधु जवाब तो देना पड़ेगा, तुमको भी और तुम्हारे नेता राहुल गांधी को भी। ये नया भारत है, यहाँ पर राज परिवार के नाम पर जनता का शोषण नहीं करने दिया जाएगा। भागते भागते थक जाओगे, लेकिन कानून पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर कांग्रेस भ्रष्टाचार की गारंटी है, तो मोदी जी भ्रष्टाचार पर कार्यवाही की गारंटी है। जनता की लूटी हुई पाई पाई लौटानी ही पड़ेगी। दरअसल कांग्रेस सांसद धीरज साहू के रिश्तेदारों के नाम पर ओडिशा में शराब का बड़ा कारोबार है। टैक्स चोरी के मामले में इनकम टैक्स की टीम ने धीरज साहू से जुड़े 3 राज्यों झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में करीब आधा दर्जन ठिकानों पर गुरुवार को छापेमारी की। इस दौरान बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज के बोलांगीर के सतपुड़ा ऑफिस से ये करोड़ों रुपए कैश जब्त किए गए। इतनी भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया है कि आज भी मशीनों के जरिए इसकी गिनती की जा रही है। शुक्रवार को पीएम मोदी ने भी बरामद हुए नोटों की गड्डी की तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर किया था। साथ ही उन्होंने कहा था कि देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुनें। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। ऐसी ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहे इनसाइडर लाइव।